क्या हाल है भाई लोग। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MIUI 12.5 का इंटरनल टेस्टिंग के बारे में। तो अगर तुम लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो जाओ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। MIUI 12.5 का हम सब इंतजार कर रहे हैं बहुत दिन से, बट वो है कि आने का नाम ही नहीं ले रहा। ऑब्वियसली सेकेंड कोरोना वेव आ गया, बट अभी तक MIUI 12.5 का स्टेबिलिटी अपडेट किसी को भी नहीं मिला। तो ऑब्वियसली इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हो भूले वट के तो जाओ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे हम लोग बात करेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास रहेगा सभी आपसे, मतलब तुम लोग से सबसे बांटने वाला हो। तो ऑब्वियसली देखो जाओ कि ये जो एक पोस्ट है जिसमें कि जितना भी न्यूज़ होता है ज़्यादातर ये टेलीग्राम ग्रुप में शेयर हो जाता है, तो ऑब्वियसली जाके ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मतलब एक्सक्लूसिव माल मटेरियल सब जो भी है सब मिलने वाला है। तो अगर आप जाओगे इसमें रीड करोगे तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि MIUI 12.5 का इंटरनल बीटा टेस्टिंग चल रहा है, जो कि बहुत सारे डिवाइसेस के लिए चल रहा है, जैसे कि आपका मतलब जैसे तुम लोगों का कि बहुत सारे देख सकते हो रीड कर सकते हो, जिसमें कि मी 9 है, रेडमी K20 प्रो है, मी CC9 है, उसके बाद आप तेरा मीजो एडिशन है, उसके बाद आपका रेडमी K30S अल्ट्रा जो कि अपडेट जल्दी ये सब में मिल जाएगा क्योंकि सब में बीटा टेस्टिंग शायद ख़त्म हो चुका है इंटरनल वाला। और उसके बाद Mi 8 SE, Mi CC, उसके बाद फिर 9E वाला जो है, फिर Note 9 5G जो कि 10i है शायद, Note 7 और Note 7S, ये सब में भी इंटरनल बीटा टेस्टिंग जो है शुरू हो चुका है। और इसमें आपका इसमें जो है चाइना का बीटा रॉम जो था वो बंद हो चुका है 24 अप्रैल से। तो ये जो लिस्ट है ये देख सकता है, तुम लोग सभी को देखो अच्छा से रीड कर लो। अगर तेरा डिवाइस का नाम है तो तुम लोगों को जल्दी MIUI 12.5 का स्टेबल OTA अपडेट 1 से 2 महीना में मिलने वाला है, 1 से 2 महीना में, क्योंकि ये तेरा मतलब जितना भी लिस्ट होता है सबसे पहले चाइना का होता है, उसके बाद ग्लोबल, उसके बाद इंडिया। तो ऑब्वियसली सोच लो कि कौन कौन सा डिवाइस का लिस्ट है, रीड कर सकते हो। तो ये सब में MIUI 12.5 का जो इंटरनल बीटा टेस्टिंग है वो सब स्टार्ट हो चुका है और धीरे धीरे मिल जाएगा। जैसे ही बीटा टेस्टिंग ख़त्म हो जाएगा तो स्टेबल OTA अपडेट जो है रोल आउट होना सभी पब्लिक के लिए स्टार्ट हो जाएगा। बट ये चाइना का लिस्ट है तो चाइना के बाद सिमिलर ही होगा, चाइना जैसे ही होता है, बट कुछ कुछ डिवाइस यहाँ पे कम रहता तो ऑब्वियसली थोड़ा जल्दी मिल सकता, बट मेन जो डिवाइसेस है जैसे कि फ्लैगशिप डिवाइस उस सब में जल्दी मिलेगा। उसके बाद रेडमी का लेटेस्ट सीरीज में मिलेगा, उसके बाद जो पीछे से आया वो सबको मिलेगा। तो रेडमी नोट 7 प्रो में शायद मिल सकता है जल्दी, क्योंकि उसमें इंटरनल टेस्टिंग चल रहा है, और बाकी सब धीरे धीरे ऐसे डिवाइस में मिल जाएगा। और पोको M2 प्रो में, क्योंकि आप मतलब ये फ़ोन जो है ये फ़ोन काइंड ऑफ पिटा हुआ फ़ोन है, चाइना में भी नहीं है, ऑब्वियसली पोको चाइना में नहीं रहता है और इंडिया में है और ग्लोबली है, और इंडिया और ग्लोबल वाला जो डेवलपर लोग हैं आई गेस मतलब सस्ता वाला चलता है लोगों का, तो कुछ काम ही नहीं करता है लोग। तो इसीलिए MIUI 12.5 का रेडमी नोट 9 प्रो जो कि पोको M2 प्रो है, मतलब रीनेम किया हुआ, ऑब्वियसली रीब्रांड किया हुआ, तो इसमें अपडेट जल्दी देखने को मिलने ही नहीं वाला है। कब देखने को मिलने वाला ऑब्वियसली मुझे भी नहीं पता, आई गेस 1-2 महीने के बाद ही कुछ होने वाला है सब में। तो वेट करो, इसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है इसके बारे में दिन भर मतलब माथा कमाने का। बट एक चीज़ कर सकता है कि एंड्रॉयड 11 का जो अपडेट है वो यूज़लेस है ज़्यादातर फ़ोन में, क्योंकि उसमें आपका बहुत मतलब उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब समझ लो दिमाग ख़राब करने वाला बैटरी ड्रेन होता है। तो एंड्रॉयड 10 ही अच्छा है, चलाओ जब तक चल रहा है, कुछ नया फीचर्स 1-2 ही मिलने वाला है, तो कुछ इतना मार्जिनल ऊपर नीचे ज़मीन आसमान नहीं होने वाला। तो बस यही था कि MIUI 12.5 का इंटरनल बीटा टेस्टिंग चाइना में चल रहा है, मतलब धीरे धीरे इंडिया में और ग्लोबली भी अपडेट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वेट करो उसका, 1-2 महीना अभी तक शायद वेट करना पड़े। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेशन जो भी, जाके टेलीग्राम ग्रुप में रीड कर सकते हो अच्छा से, उसमें जितना भी इन्फॉर्मेशन सभी डिवाइस का नाम देखने को मिल जाएगा। तो जाओ ज्वाइन करो, वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नया तो प्लीज़ जाओ यार चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ठोक सकते हो, जाओ बेल आइकन को ठोको, वीडियो को शेयर मारो, लाइक करो। चलो मैं मिलता हूँ कल कुछ से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, और हो सके तो अपना ख्याल रखो, घर वाला ख्याल रखो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।